हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। बाकी जो पिछली क्लास हुई थी आपकी, उसमें हमने आयतन से रिलेटेड आपको करीब 9 क्वेश्चन बताए थे। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि 175 सेंटीमीटर लंबे उस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी बाह्य और आंतरिक जो त्रिज्या दी हुई है वो आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पाइप का आयतन का फॉर्मूला देखेंगे तो वो आपका हो जाएगा पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पर वैल्यू जो आर वन की दी है वो 14 दी हुई है, आर टू की दी हुई है 7 और एच इजक्वल टू आपका दिया है 175। तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा पाई इंटू आर वन मतलब कि 14 का स्क्वायर माइनस आर टू मतलब 7 का स्क्वायर गुणे 175 हो जाएगा। तो यहाँ 22/7 हम वैल्यू रखेंगे पाई की, 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 196 हो जाएगा और 7 का करेंगे तो ये आपका 49 हो जाएगा गुणे 175 हो जाएगा। 196 में हम 49 को घटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 147। यहाँ से 7 से इसको काटेंगे तो ये आपका 25 बार जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा 22 गुणे 147 गुणे 25। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 80,850 घन सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका पाइप का आयतन आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 80,850 घन सेंटीमीटर। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम अगर पहले जैसे हमको दिया हुआ है, यहाँ पर हमको गोले का व्यास दिया हुआ है तो व्यास जो होता है वो आपका होता है त्रिज्या का दोगुना मतलब 2R इक्वल टू आपका होता है व्यास। तो व्यास बराबर आपका यहाँ पर 14 दिया है तो त्रिज्या बराबर आपका हो जाएगा 14/2। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। जो R की वैल्यू आएगी वह आपकी आ गई है 7 सेंटीमीटर। तो गोले के आयतन की अगर हम बात करेंगे तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम R की वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगा 4/3 गुड़े 22/7 गुड़े 7 गुड़े 7 गुड़े 7। तो यहाँ से 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1437 सही 1/3 घन सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका वो हो जाएगा गोले का आयतन। देन बात करेंगे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल की तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 4πr². तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे r की तो ये आपका हो जाएगा 4×22/7 गुड़े 7 गुड़े 7। 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो 88 हो जाएगा, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 हो जाएगा, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो है आपका वह आपका आ जाएगा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका दिया हुआ है कि एक अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हमको आयतन निकालना है। तो व्यास मतलब अभी हमने बताया कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है मतलब 2R इक्वल टू यहाँ भी 14 दिया हुआ है तो R इक्वल टू आपका हो जाएगा 14/2 यानी कि R की वैल्यू यहाँ से आपके आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आयतन जो होता है वो होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हम गोले के आयतन की बात करें तो वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ अर्धगोले की बात की जा रही है तो यहाँ बटे में आपका 2 हो जाएगा, 2 से 1 कटेगा तो ये आपका बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आर की वैल्यू रखेंगे और पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2/3 गुड़े 22/7 गुड़े 7 गुड़े 7 गुड़े 7। 1 7 से आपका 1 7 कैंसिल हो जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 718 सही 2/3 घन सेंटीमीटर। तो ये आपका आयतन आ जाएगा अर्धगोले का। दिन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका जो कि आपके शंकु पर आधारित है। तो शंकु का क्वेश्चन है आपका कि एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर है तथा उसका व्यास जो है वो 6 मीटर है। तो शंकु की त्रिज्या को ऊंचाई ज्ञात कीजिए मतलब यहाँ पर हमको h गिवन है और r गिवन है मतलब कि व्यास दिया है मतलब कि 2R की वैल्यू दी हुई है मतलब हम r निकालेंगे। तो 2R इज इक्वल टू 6 दिया है तो r की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 3। तो r बराबर 3 आ जाएगा और h हमको दिया है 4। तो त्रिज्या को ऊंचाई निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं
एल इज़क्ल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका अंडर रूट में, यहाँ से तीन हो जाएगा आपका त्रिज्या, तो तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ हो जाएगा, नौ प्लस सोलह हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट पच्चीस। जो पच्चीस होता है वो आपका पाँच का वर्ग होता है, मतलब इसका वर्ग रूट स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका बन जाएगा पाँच। तो ये आपका L इजक्ल टू जो आपकी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकल के आएगी वो आपकी पाँच मीटर आ जाएगी। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका जैसे कि दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आर दिया है आपको 12, नहीं आर दिया है आपको 7, ये 12 जो दिया है वो आपको ऊंचाई दी हुई है, तो ये आपका बन जाएगा 1/3 गुड़े 22/7 गुड़े 7 गुड़े 7 गुड़े 12। 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 को काटेंगे ये आपका 4 बार जाएगा, तो ये बचेगा आपका 22/7 × 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 616 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका शंकु का आयतन आएगा वो आपका आ जाएगा 616 घन सेंटीमीटर। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पिघलाकर की बात की गई है, तो हमने पहले ही क्लास में बताया था कि अगर पिघला विघला के बात की जाए तो वहाँ पर हम आयतन इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका गोले का आयतन बराबर आपका हो जाएगा बेलन का आयतन, तो गोले का आयतन आपका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम बेलन के आयतन की बात करें तो ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर हमने अलग अलग मान लिए हैं क्योंकि यहाँ पर हमको एक आर की वैल्यू निकालनी है गोले की त्रिज्या की, तो यहाँ आपका बन जाएगा पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बनेगा 4/3 आर क्यूब और यहाँ आर की वैल्यू दी हुई है आपको 3/5, तो ये आपका हो जाएगा 3.5 × 3.5 गुड़े ऊंचाई दी है 40 × 40 हो जाएगा, तो आर क्यूब इजक्ल टू हो जाएगा आपका 3.5 × 3.5 × 40 × 3/4। 4 से काटेंगे ये आपका 10 बार जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके पूरा लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 3.5 × 3.5 × 10 × 3। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10.7, इसको लिख सकते हैं 5.7, इसको लिख सकते हैं 2×5 = 10 आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप 5, 5, 5, 3, 12 हैं, तो ये जब इस क्यूब रूट लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 5 बाहर आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पर क्यूब रूट में आ जाएगा आपका 2.94 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये आपकी गोले की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का अधिकतम आयतन का शंकु बनाया गया है, शंकु का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर हमको शंकु की ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमको जैसे कि शंकु की ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर और शंकु का जो है आपको व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो शंकु का व्यास दिया हुआ है आपको 14, मतलब कि यहाँ पर अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो वो आपकी हो जाएगी 14/2, मतलब कि 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से शंकु का आयतन निकालेंगे तो शंकु का आयतन हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे हम तो ये बन जाएगा आपका 1/3 × 22/7 × 7 × 7 × 7। 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा, 49 को मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 359, मतलब कि 359 सही 1/3 घन सेंटीमीटर। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि एक बेलन और एक शंकु के आयतनों में 3:2 का अनुपात है, यदि उनके त्रिज्याओं में अनुपात 3.4 का अनुपात है तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम अगर हम अनुपात निकालना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आयतनों का अनुपात है वो आपको 3:2 दिया है, तो हम लिख लेंगे कि बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन बराबर पाई आर वन स्क्वायर एच वन अपॉन 1/3 पाई आर टू स्क्वायर एच टू।
ये आपको दिया हुआ है 3/2, यहाँ पे अनुपात देखिए दिया हुआ है 3/2, तो हमने लिख लिया 3/2 बराबर पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा आपका, यहाँ पर दिया हुआ है आपको त्रिज्याओं में 3:4 का है, तो ये आपका बन जाएगा 3r का होल स्क्वायर गुड़े h1, बटे में आपका हो जाएगा 1/3 गुड़े 4r का होल स्क्वायर गुड़े h2, तो ये आपका हो जाएगा 9r² h1, ये हो जाएगा आपका 16/3r² h2। देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/2 बराबर में हो जाएगा 9 × 3, ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 9 × 3 × r² h1 अपॉन 16 r² h2, r² से r² आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 आप काटेंगे, 2 × 8 = 16 हो जाएगा, ये आपका बचेगा h1 अपॉन h2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8/9, मतलब h1 और h2 का रेशियो आ जाएगा 8:9। देन बात करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी घनाभ की लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई 28 मीटर हो तो उसमें रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि जो गोला है उसके पृष्ठ की, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो बड़े से बड़े गोले का व्यास होगा वो आपका होगा 14, क्योंकि यहाँ जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वही ली जाती है, तो यहाँ पर गोले का जो आपका व्यास निकल के आ जाएगा वो आपका 14 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्या जो आपकी आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी r = यहाँ से आपको आ जाएगा 7। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 4πr², तो यहाँ से हम r की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 4 × 22/7 × 7×7, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 88 हो जाएगा, 88 × 7 करेंगे तो ये आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा वो आपका 616 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन थे आयतन से रिलेटेड वो काफ़ी हद तक हमने कवर अप करा दिए हैं, क्षेत्रफल के भी आपके काफ़ी क्वेश्चन हो गए थे, और ये आयतन के हैं, जो इसके पहले जो 2 क्लासेस हुई थी वो आपकी क्षेत्रफल की थी, और जो अभी की ये 2 क्लासेस हुई हैं ये आपके आयतन से रिलेटेड हैं। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं, आपको अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वो आपको करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।